जलसा है और हम इमरान खान को सपोर्ट करने के लिए आए हैं और हमने कंपेनिंग बहुत अच्छी इलेक्शन की चलाई है और हमें उम्मीद है अल्लाह ताला से कि इमरान खान जीतेगा और जीत और कामयाबी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान की होगी अल्लाह इंशाल्लाह। लोग तो इमरान खान को यही देखकर वोट देते हैं, तो अब तो इमरान खान खुद खड़े हुए हैं, तो इंशाल्लाह इमरान खान ही जीतेंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जी मैंने खुद डोर टू डोर किया है और पीटीआई का बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं पहले भी था लेकिन अब ज़्यादा हो गया है क्योंकि अब लोगों पर चोरी जो है वो खुलकर सामने आ गई है और सबको पता है कि इमरान खान हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है जो हमारे मुल्क के लिए है और हमें सही रास्ते पर जो लेकर जाएगा वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान है। और इंशाल्लाह टर्नओवर आप देखिएगा कि बहुत ज़्यादा आएगा और NA 237 से इंशाल्लाह इंशाल्लाह इमरान खान जीतेगा। मैं कहना चाहूँगी कि आप लोग प्लीज़ अपने घर से 16 अक्टूबर को निकले, इमरान खान को वोट दें और इमरान खान को कामयाब बनाएं और इस ये हम सबका फ़र्ज है, हमें इस फ़र्ज को करना है। तो आप लोग बस सबसे मेरी इल्तिजा है, रिक्वेस्ट है कि सब लोग घरों से निकले, बूढ़े जवान खास तौर पे जो हमारे यंगस्टर्स हैं वो प्लीज़ घर से निकले और इमरान खान को वोट दें। थैंक यू सो मच। और मैं जो हूँ वुमेन विंग की विनिश मोहम्मद हूँ और मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि प्लीज़ NA 237 को 16 अक्टूबर को निकले और वोट दें। मलिरकेंट से आई हूँ खान साहब के जलसे को बैकअप करने के लिए और हमें पूरा यकीन है कि कराची सिर्फ खान का है, खान के अलावा कराची किसी का भी नहीं हो सकता। जो जोश और वलवला हमें आज कराची में देखने को मिलता है वो किसी दौर में नहीं था और अब हमारी कौम को शऊर है। हम जान गए कि वोट अगर किसी का हक है कराची से तो वो सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का है। हमारी ख्वातीन घर घर से निकली हैं, डोर टू डोर उन्होंने किया है, कैंपेन चलाई है खान साहब के लिए और हमने पूरी तरह से मेहनत करी है और हम श्योर हैं कि सिर्फ और सिर्फ खान साहब ही जीतेंगे इंशाल्लाह।